बढ़ गया डर तेरा। ले मती रहना हो ते घरी तेरा घर की मलक पर बजी डर तेरा जड़ा से त्यौहार कर मत रहना हो ते घर तेरा घर की मलक पर बजी कटी तन पड़े पड़े ने राम लाग रहा हम दिन रात कमाए रोज रोज का रास्ता हो जा कदलक तने मनाए जा बेटी कैसा तन समझा करती तेरे हसी से लाग लड़ाए जा देवर बाकी आपस के मैं न्यू में हंसे और हंसाए जा कुत्ते हसिया के कमाई तू घर में बैठी सहजादी किसे की भी कोन्या माने कार करे से दे फादी तेरे केसी बसे बसाए घर की कर दे बर्बादी फिर देवर गिल्ला पैर बांध के जागी बिना औलादी की बात भी ने सुनी और के का लागी तीसरी कली में बेल्या कुण सीत्री कुण सीत्री कमाई खासू क्या की मन मकान जड़े की बतलतन है वड़ी को ना या बालक पंखी बाण धरे खुद ब्याही की तरिया चढ़ गया मेरे सर पे आने धरे तेरे हुक्म ने हुआ मानेगी एक नौटंकी जान धरे उस नौटंकी ने Oh!
नौटंकी ने ब्याह के लिया जे फिर तोल पाइट जा नर तेरा एकदम से भूल सिंह के दिमाग मोबात घुसी के कन लग गया वाला बोल गई काया डोल एकदम हरदा हाल पड़ा पावज के जब बोल सुने फेरी दासिया दी का ख्याल पड़ा तम भाई पावज मौज उड़ाइयो बड़ा बतेरा माल पड़ा जगन्नाथ आड़े रह नहीं मुल्तान शहर ने चाल पड़ा जवानों टंकी मिल गई थे जवानों टंकी मिल गई थे फिर शुक्र मनाऊ और तेरा जाना से त्योहार करे मजी रहना हो तेरे तेरा टंकी मार के बैठी जो गति भाइयों राम राम। और दोस्तों आज जो उपरातली रागनी थी राजकिशन जी के साथ विजेंद्र भारद्वाज उनके शिष्य गांव भगवानपुर से स्वर्गवासी हो चुके हैं भाई। और भाइयों बहुत बार ये रागनी मेरे भी आगे आई और उन्होंने भी सुनी होगी बहुत बार, लेकिन आज थोड़ा सा गौर करा इस रागनी को और समझ में आया कि रणबीर बड़वासणी की आवाज़ नहीं है। जब ध्यान से सुना तो समझ में आया कि आवाज़ अलग है। वैसे जिस कैसेट में रागनी थी उसमें सारी रागनी राजकिशन और रणवीर जी की उपरातली है, लेकिन इस रागनी को जब ध्यान से सुना तो समझ में आया कि आवाज़ अलग है। तो गांव भगवानपुर से ही आदरणीय रणवीर भारद्वाज जी से संपर्क करा था कि जी आवाज़ को अगर पहचान सको तो उन्होंने भी यही कहा कि 90% तो विजेंद्र ही है। तो दोस्तों बहुत गुमनाम साजिंदे कलाकार होकर चले गए जिन्होंने गाया, मौका मिला लेकिन पहचान नहीं मिली उस दौर में और बाद में भी। तो उनकी कोशिश करी थी दोस्तों फोटो मिल जाए लेकिन उपलब्ध नहीं हो पाई फिलहाल तो। और ये राजकिशन जी के मटका वादक थे, गढ़वा बजाया करते, विजेंद्र और कृष्ण गढ़ियाले सुने होंगे आपने एक दो कैसेट में, बीच में वार्ता में आया है जिक्रा। तो उपरातली की रागनी थी दोस्तों नौटंकी किस्से की, पंडित जगन्नाथ जी की लिखी हुई रागनी है राजकिशन जी के गुरुजियों की। और बहुत डिमांड रहती थी इस रागनी की, कुछ नौटंकी की रागनी, एक गोपी चंद की उपरातली, तो उस दौर में स्पेशल डिमांड हुआ करती इनकी। तो दोस्तों अगर किसी भाई को लगा कि कलाकार अलग हैं तो बताने की कोशिश करो। बाकी अभी तक का जितना कन्फर्म हुआ है विजेंद्र भारद्वाज गाँव भगवानपुर से राजकिशन जी के साथ, तो जुड़े रहो दोस्तों, बाकी कोशिश करेंगे पुराना मसाला लेके आने की। जय हिंद दोस्तों।